हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस टॉपिक पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम में आप अगर एज एन पोर्ट कल्चर या फार्मिंग, स्मॉल स्केल फार्मिंग कर रहे हो या फार्म आप चलाना चाह रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो और किचन गार्डनिंग क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ पर मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल किचन गार्डनिंग सबसे सिंपल से वे में और इजी वे में अगर आपको किचन गार्डनिंग को एक्सप्लेन करना होगा तो किचन गार्डनिंग एक सिंपलेस्ट थिंग आप कहेंगे कि आप में जो किचन में यूज़ हो रही है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या एनीथिंग यू वांट टू बी ग्रो, वो कहाँ अगर आप ऑर्गेनिकली तरीके से अगर आप अपने पॉट्स में उगा रहे हो या आप ग्रो बैग्स में उगा रहे हो, किसी भी तरीके से आप एक फार्मिंग कर रहे हो स्मॉल स्केल और एक गार्डन बना रहे हो, उसे हम किचन गार्डनिंग कह देते हैं। फर्स्ट थिंग, किचन गार्डनिंग क्यों आपको करनी चाहिए और किस लिए मैं आपको सजेशन दूंगा एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के तौर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल किचन गार्डनिंग में इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि किचन गार्डनिंग से क्या होगा, आपका जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, बिकॉज आज के टाइम पे द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप जो खा रहे हो उसमें प्रॉपरली मैं कहूँगा कि इतने अमाउंट में हमने नोटिस किया है कि फर्टिलाइजर्स डलते हैं, एंड वो अगर आप अलॉट ऑफ कंज्यूम कर रहे हो आज के टाइम पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी स्टे हेल्थी। तो अगर आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हो लाइक मी एंड अनदर आप अगर हो, तो आप अपने घर पे उन चीज़ों को उगाएं। कैसे उगाना है उसका प्रोसीजर भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा जिससे कि आपको इजी वे में आप उस चीज़ को कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल किचन गार्डनिंग का मैंने आपसे डिस्कस किया, किचन गार्डनिंग होती क्या है। सेकेंड थिंग, अब आप एक बड़े शहर में रह रहे हो लाइक दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, आप एक बड़े शहर में हो, आपके पास अलॉट ऑफ स्पेस नहीं है जिसमें आप फार्मिंग कर सको। मान लो आपका 2 BHK या 1 BHK है और उसमें फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो बहुत एक्चुअली डिफ़िकल्ट है। देखो, हेल्थी लेने रहने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चूजमेंट करनी होगी आपकी डेली डाइट पे। देर आर डिफरेंट वेज टू बी स्टे हेल्थी एंड कंज्यूम डैट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 स्केल्स में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे हाउ टू ग्रो ए वेजिटेबल्स, सेकेंड हाउ टू ग्रो ए फ्रूट्स, एंड हाउ टू ग्रो थर्ड स्टेज में हम आएंगे माइक्रोग्रीन्स पे। देखो, फर्स्ट वेजिटेबल्स को उगाना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको वेजिटेबल्स के लिए अगर आप उगाना चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने टेरिस पे या फिर आप अपनी बालकनी में एक प्रॉपर बड़ा एक ग्रो बैग ले लीजिए, ठीक है, बड़ा ग्रो बैग, या आप या फिर एक सिंपली एक गत्ता बिछा के, मतलब आपको एक कार्डबोर्ड बिछाना है, कार्डबोर्ड बिछाने के बाद आपको उस पर प्रॉपर अमाउंट में सॉयल, जितनी भी आपका एरिया है, सॉयल डाल सकते हो। प्लस आप उसमें गोबर खाद मिला सकते हो। अगर आप बड़े शहर में रह रहे हो गोबर खाद नहीं मिलेगी, लेकिन अलॉट ऑफ प्रोडक्ट्स विच आपको ऑनलाइन ऑर्डर करके मिल सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ वर्मी कंपोस्ट, आप ऑर्डर कर सकते हो, कोकोपीट ऑर्डर कर सकते हो, उसे अच्छी तरह से आपने मिक्सचर बना लेना है। देन आपको चूजमेंट करना है लीफी वेजिटेबल्स का जो आप इजीली ग्रो कर सकते हो, क्योंकि लीफी वेजिटेबल्स में आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी एंड सेकेंड थिंग वो जल्दी ग्रो कर जाएंगे और उन्हें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अलॉट ऑफ आप ऐसे वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हो अपने बड़े शहर में, अगर आप रह रहे हो फ्लैट वगैरह में तो उसमें आप उगा सकते हो, जैसे पालक होगी, स्पाइन पालक होगी आपकी, लेट्यूज होगी, एंड आपके कई तरह के पौधे जैसे मिर्ची का पौधा आप लगा सकते हो, बैंगन का पौधा लगा सकते हो। एंड वन मोर थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होता कि एक पर्टिकुलरली वेजिटेबल आपको हार्वेस्टिंग एक बार ही देगी। अगर आप अच्छी तरह से उसमें प्रॉपरली गोबर खाद या फिर आप ऑर्गेनिक वर्मिंग कंपोस्ट वगैरह डाल रहे हो तो आप हार्वेस्ट को खींच सकते हो। एंड आपको शेड्यूलिंग कैसे करनी है इन चीज़ों की, देखो आपने क्या करना है, जैसे 4 to 5 पौधों को रखना है, 4 to 5 पौधे आपने बाद में लगाने हैं एंड 4 to 5 पौधे आपने टर्शरी में लगाने हैं। 2 से 3 अगर आप सेट्स में ऐसे वेजिटेबल्स लगाते हो देन यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम एंड प्रॉपर वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू योर टाइम। ये बात हो गई हम वेजिटेबल्स की, आप वेजिटेबल्स कैसे उगा सकते हो। अब फ्रूट्स के लिए बेसिकली क्या होता है, अगर आप
अगर आपका फ्लैट बहुत छोटा है तो फ्रूट्स उगाना डिफिकल्ट होगा, बट इफ़ यू गेट एनी चांस, अगर आपके पास स्पेस है और आपके पास टेरिस है तो बहुत ही अच्छा होगा। टेरिस फार्मिंग में क्या करना है, आपको पौधे लेने हैं। देर आर मैंगोज की वराइटीज़ आती हैं, डवाफ वराइटीज़, बहुत डवाफ वराइटीज़ आती हैं। आपको ऑनलाइन वाले जाल में नहीं फंसना, आपको थोड़ा सा ट्रैवल आउट करना है। आपको नियरेस्ट आपकी जो जहाँ पर भी आप जिस बड़े शहर में रहते हो उसके नियरेस्ट विलेज में ये जाके वहाँ से आपको एक नर्सरी में जाके आप 5 से 10 पौधे ले सकते हो ड्राफ्ट वैरायटी के। वही प्रोसीजर रहेगा, सॉयल, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, प्रॉपरली आपने एक पॉट में बनाना है और उसमें आप ड्राफ्ट वैरायटी उगा सकते हो। आज के टाइम में फ्रूट्स की अगर आप खुद उगा रहे हो तो मैं सिंपली आपको ये कहूँगा कि बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये चीज़ें अपनी डेली लाइफ में लाते हो। इससे क्या होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका प्रॉपरली बाहर से सब्जियाँ आनी बंद हो जाएंगी, वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो स्पेस का जितना स्पेस आपके पास होगा उसे यूटिलाइज करना डिफिकल्ट है। और अगर आप फ्लैट या ऐसी जगह पे रह रहे हो तो इट्स अलॉट ऑफ डिफिकल्ट टू बी ऑब्टेन अलॉट ऑफ फूड फ्रॉम देयर। सो आप स्मॉल स्केल पे करोगे, इट्स लाइक आपकी अगर 4 में से 1 पार्ट भी अगर आप ले रहे हो, 3rd पार्ट आपका बाहर से आ रहा है, 1 पार्ट आप हेल्दी भी खा रहे हो, तो एक बिग डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड आता है माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन्स सिंपली क्या है, दालें, पल्सेस हैं। पल्सेस को आपको क्या करना, रात को भिगोना है एंड यू विल बी लाइक उनमें स्प्रे करनी है, वाटर स्प्रे करना है एंड यू विल बी लाइक उन्हें आप खा सकते हो। इट्स ऑल्सो एन हेल्दी डाइट। अब किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट मैं मेरा डिस्कस करने का सिंपली सिंपलेस्ट वे ये था, क्योंकि अलॉट ऑफ माई फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम दे आर स्टूडेंट्स, एंड मैं इस चीज़ को इसलिए अराइज कर रहा हूँ बिकॉज दे आर अलॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर आर यूज राइट नाउ, विच इज़ डिफिकल्ट टू बी कंट्रोल्ड। बेसिकली एज एन एग्रीकल्चरिस्ट हमें पता है कि वो बहुत मुश्किल है और ऑर्गेनिक खेती से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता जिसके लिए फार्मर उसे यूज़ करते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ये हेल्थी चीज़ें करें जिससे कि आपके अलॉट ऑफ केमिकल्स फ्री फूड आप कंज्यूम कर पाओ। बाकी इन दी केस अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंक्रीज़ करना चाहते हो और ऑर्गेनिक फार्मिंग आप चाहते हो, तो बेसिकली मैं ये सुजेशन कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ अपने छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, जिससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फेमस होगी एंड पीपल लाइक टेरेस फार्मिंग एंड ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे, देन जिससे कि हर एक बंदा हेल्थी फूड और हेल्थी चीज़ खा सकेगा। सो ये था मेरा आज का किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे पेज एग्रीकल्चर स्टडी पे भी जाके वीडियोस देखें, बिकॉज इट्स लाइक आपके लिए वीडियोस हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं जहाँ पर आप देख सकते हो। अलॉट ऑफ इंस्टाग्राम पे सर्च करके एक प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी चीज़ें मतलब समझ में आए और आप इजीली फार्मिंग कर सको। तो ये था मेरा वीडियो, थैंक यू गाइस।